नमस्कार, सिनेपोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज एक बड़ा फैसला लिया है, बड़ा ऐलान किया है। जी हां, आपको बताते चले कि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी की तरफ से जनता दरबार लगाया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार अब जीतन राम मांझी भी जनता दरबार लगाएंगे। उन्होंने ये फैसला लिया है। हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उनका बयान सामने आया है। इस बयान में आप सुन लीजिए कि दानिश रिजवान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी जी के निर्देश पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने तय किया है कि पार्टी के मंत्री और विधायक हर मंगलवार को जीतन राम मांझी जी के आवास पर जनता से मिलेंगे, बिहार की जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उसके ऊपर में दिशा निर्देश देकर के उनकी समस्या का समाधान कराएंगे। ये चीज बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से जनता ने हमें माइंडेट दिया है, वो माइंडेट सेवा करने के लिए दिया है, काम करने के लिए दिया है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे दल के नेता साफ तौर पर कह चुके हैं कि जनता के सेवा के लिए दिन रात काम करना होगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जनता दरबार का फैसला लिया गया है। तो आपने सुन लिया जीतन राम मांझी के पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान का साफ कहना है कि पार्टी के मंत्री और विधायक हर मंगलवार को बिहार की जनता से मिलेंगे जीतन राम मांझी के आवास पर और जनता की समस्याओं का निदान करेंगे। दानिश रिजवान का साफ कहना है कि जनता ने हमें चुना है सेवा करने के लिए, जो हम अब करने जा रहे हैं जनता दरबार के माध्यम से। तो अब जीतन राम मांझी भी जनता दरबार लगाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से जनता दरबार लगाया जाता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हर सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की परेशानियों से रूबरू होते हैं। तो अब जीतन राम मांझी ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। उनका भी कहना है कि जनता ने हमें चुना है तो हम जनता की सेवा करेंगे, अब अपने स्तर से जनता दरबार लगाएंगे। जीतन राम मांझी के आवास पर जनता दरबार लगाया जाएगा। पार्टी के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, वे इस जनता दरबार में शामिल होंगे और लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।